आज फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का मुझे इंतज़ार था। आज 14 अक्टूबर 2021। कुछ घंटा चलते ही मैं बोलिया बोमोरा बीच पहुंच गया हूँ और आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है। मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन डिमापुर और उसके बाद आई प्रोसीड टू कोहिमा देन टू इम्फाल और फर्स्ट आई ट्राई टू कवर नॉर्थ ईस्ट एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर टू द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। और मैं सोच रहा हूँ कि सिक्किम जाने से पहले भूटान होके आ जाऊँ, अब देखते हैं क्या होता है। अभी लगभग शाम का 4 बज रहा है और मैं दिमापुर गेट पहुँच गया हूँ। ये जो दिमापुर कोहिमा हाईवे काफ़ी अच्छा दिख रहा है और कोहिमा यहाँ से 72 किलोमीटर्स दूर पे है। मैं अभी कचहरी रेंज पे आया हूँ। यहाँ आके देखा कि यहाँ में कई सारे पिलर्स बने हुए हैं जो मशरूम जैसे दिखते हैं। इसको कहा जाता है कि ये सारे पिलर्स डिमासा कचहरी रूल्स के टाइम पे बनाया गया था और डिमासा कचहरी रूल्स उस समय थे जब अहोम डायनेस्टी शुरू नहीं हुए थे। बाय बाय। कचहरी रुइंस विजिट करने के बाद अब मैं कोहिमा की तरफ निकल गया हूँ जो कि यहाँ से 55 किलोमीटर्स शो कर रहा है। मौसम आज भी बहुत अच्छा है। I'm going this side, yes. It's a nice bike. Java. Yes, Java bike, yes. Came yesterday. Yeah. And today I'll just go around. I'll go to War Cemetery. War Cemetery? Yes. Then after that, I'll go to this one, Naga Heritage Village. So you're just here for a ride or? Yes. I came yesterday and today only I'll be here. Okay. आज मैं कोहिमा वार सिमेट्री पहुंच गया हूं
और इस जगह को देखने के लिए मेरा बहुत पहले से ही डिजायर थे। ये मेमोरियल 1944 का अप्रैल महीना में इसमें मारे गए जो सिपाही थे उसका मेमोरी में बनाया गया है। इस जगह पे टेरेस बनाया हुआ है जो कि 10 फीट से लेके 16 फीट तक हाइट है और दोनों ही जगह पे ऊपर में और नीचे में दो क्रॉस बनाया हुआ है और दोनों ही जगह पे ब्रॉन्ज प्लेट में एपिटाफ भी लिखा गया है और एक एपिटाफ में ये लिखा गया है कि व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर यू टुमारो वी गेव आवर टुडे। Now I have reached Naga Heritage Village. Wow, what a beautiful gate. Gate kafi sundar banaya hai. Naga Heritage Village, jisko Kisama Heritage Village bhi kaha jata hai. Ye bahut hi sundar aur hariyali jagah pe sthapit hai. Isme 16 तो अलग अलग घर जिसको मोरूंस कहा जाता है बनाया गया है और इस पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो भी आर्टिफैक्ट्स थे उनको भी रखा गया है और यहाँ में ट्रेडिशनली बनाया गया सारा घर और यहाँ में फूड कोर्ट्स वगैरह भी लगाया गया है और यहाँ में हर साल दिसंबर महीना को नागालैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल द हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसको कुछ सकेगा? आप चलो ठीक है।